Hi everyone, today we are going to learn how to create wardrobe. This is a wardrobe front view actually, and this is your top view. 2060 mm is the length and 2365 mm is the height actually, and this is the top view of your wardrobe. Dono glass door hai, means two partitions are there. Isme do glass door hai. Aur yahan pe, if you open the wardrobe, if you take the section of the wardrobe, what are the partitions we have shown over here? So we have to create same kind of wardrobe in our Revit. So main Revit leta hu. So we are going to create new families mein jana. You have to select the family template. So family templates ke liye hum log kya karte hain? Family templates mein jate hain. We are going to create a furniture. So hum log kya kar rahe hain? Furnitures create karne wala. So yahan pe metric furniture leta hu main. Okay, furniture lene ke baad yahan pe open karo. फर्नीचर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फर्नीचर ओपन करने के बाद यहाँ पे फैमिली ओपन, दिस इज योर रेफरेंस प्लान, दैट इज फ्लोर प्लान एंड दिस विल बी योर फ्रंट व्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एवरीथिंग विच वट एवर यू हैव टू क्रिएट दैट विल बी इन द फ्रंट व्यू. सो विल गो टू द फ्रंट व्यू. दिस इज योर बेस. बेस मीन्स ऑन एनी काइंड ऑफ थिंग्स वेयर यू आर गोइंग टू प्लेस यूर एंड साहब, जहां पे भी यानी फ्लोर पे प्लेस करे कहां पे भी, दैट विल बी योर फ्लोर. और यहां से ऊपर आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा फ्लोर टॉप फ्रंट व्यू एक्चुअली. सो वी आर गोइंग टू प्लेस द वार्डरोब एट दिस पोजीशन. यहां पे पोजीशन पे प्लेस कर रहे. सो लेंथ को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. यहाँ पे मुझे मिडल पार्टीशन से कुछ भी लेन देन नहीं है, पर है ना, यहाँ पे मिडल भी नहीं, यहाँ पे मिडल नहीं. लेकिन इफ यू वॉन्ट टू प्लेस द डोर एट दैट टाइम आई रिक्वायर्ड एज द मिडल वाला रेफरेंस प्लेन रहेगा. तो फिलहाल हम लोग मिडल वाला रेफरेंस प्लेन नहीं लेते. मैं आउटर और आउटर रेफरेंस प्लेन लेता हूँ दोनों जगह. और हम लोग को सेंटर रेफरेंस प्लेन तो ऑलरेडी है. सो यहाँ पे मैं एक आउटर रेफरेंस प्लेन, आउटर रेफरेंस प्लेन और हाइट के लिए एक हाइट का रेफरेंस प्लेन लेता हूँ. ओके, सो रेफरेंस प्लेन के लिए क्या करना है, क्रिएट में जाके रेफरेंस प्लेन शॉर्टकट है RP. सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, आई प्लेस वन रेफरेंस प्लेन ओवर हियर, आई प्लेस अनदर रेफरेंस प्लेन ओवर हियर. ओके, सो अगेन आई प्लेस टॉप. ओके, टॉप ऑफ द रेफरेंस प्लेन. यहाँ पे होने के बाद आई हैव टू गिव द इक्वल, सो DI डिस्टेंस, या अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप, मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस ले सकते हो, डायमेंशंस ले सकते हो. यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आई हैव टू प्लेस इट इक्वल. सो आई प्लेस इक्वल. नाउ आई हैव टू गिव द हाइट एक्चुअली. सो यहाँ पे मैं रेफरेंस लेता हूँ, दिस इज माई डायमेंशंस. और यहाँ पे मैं इधर से ये वाला डायमेंशन देता हूँ. So this is your height of wardrobe. So add parameter height. Okay, then this is your width of the wardrobe. So add parameter, this is your width, width, width. Okay, so this is your height of the parameter wardrobe, or this is your width of the wardrobe. So I have to give the height and width, how much it is. So it is 2660 and 2365. 2060. So yahan pe click karta hu, width is 2060 and height is apka 2365. So yahan pe 2365 apply karta hu. Okay, so this is your length or this is your height that we are going to place over here. So yahan pe hum log isko chahiye to reference hum log क्लिक करना. अरे क्लिंग को हम लोग ऊपर ले सकते हैं अवश्य. आप ये भी इसको ड्रैग नहीं करेंगे ना तो भी बाद में आ जाता है एक्चुअली अवश्य. ओके, सो इसको हम लोग बाहर प्लेस करते हैं, ड्रैग करते हैं इसको. अब ड्राइंग बनाने के बाद आ जाता है, लेकिन हम लोग का भी रेफरेंस प्लेन डालना है तो वी हैव टू ड्रैग दैट वन. सेव वार्डरोब आ गया. नाउ यहाँ पे ओरिजिनल वार्डरोब यहाँ पे, और ये हम लोग का ऊपर से हम लोगों ने क्लोज किया हुआ पैनल से, अरे ना, एंड दिस इज सॉलिड पैनल और दिस इज सॉलिड पैनल बोल के हम लोग क्लोज कर रहे हैं, और मेन वार्डरोब अंदर आ जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग सॉलिड एक्सट्रूजन डाल सकते हैं, यहाँ पे भी सॉलिड एक्सट्रूजन ऐड करके रख सकते हैं, और यहाँ पे अंदर प्लाई थिकनेस आएगा. सो लेट्स ले टेक प्लाई थिकनेस, ये वाला प्लाई और ये. So all ply thicknesses are how much?
18 mm। ओके सो यहाँ पे 18 mm का प्लाई थिकनेस इनर साइड में डाल देते हैं। देखो प्लाई थिकनेस हम लोग को कहाँ पे डालना है, ऑल दिस, और ये जो प्लाई रह गए वो थोड़ा अंदर ग्रू करके आएंगे। सो ये मिडल वाला और यहाँ पे प्लाईज आने वाले। सो हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट ऑफसेट। ओके सो कॉपी हाउ मच, 18 बरा ना, या समझ लो आरपी डालता हूँ, रेफरेंस प्लेन क्रिएट बोलता हूँ मैं, रेफरेंस प्लेन बोलता हूँ मैं, पिक लाइन बोलता हूँ, और उसको लॉक करके मैं ऑफसेट डालता हूँ। कितना ऑफसेट है, 18 mm। सो यहाँ पे 18 mm। अभी यहाँ पे हम लोग को प्लाई थिकनेस अगर वेरिएबल रखना है, क्या रखना है, वेरिएबल रखना, तो यहाँ पे इसको लॉक मत करना। ओके ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आरपी रेफरेंस प्लेन लिया मैंने, पिक प्लेन बोलता हूँ, लॉक को ऑफ करते हैं और यहाँ पे 18 mm का ऑफसेट डाल देते हैं। सो यहाँ पे 18 mm ऑफसेट, हाँ सॉरी, उसके पहले हम लोग को ग्रू कितना नीचे हो लाइन रेफरेंस डालना पड़ेगा, बरा ना। सो दिस इज 50 एंड दिस इज 75। सो यहाँ पे एक इसको रेफरेंस प्लेन लेता हूँ, आरपी, ये डिस्टेंस आपका फिक्स है, बरा ना। ओके सो इसको डीआई डिस्टेंस रखता हूँ मैं, हाँ सॉरी, इसको क्लिक करना पहला, कितना ये वाला ऊपर का 50 नीचे 75, सो इसको 50 करता हूँ। ओके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके सो यहाँ पे डिस्टेंस देते डी आई, क्लिक करो, लॉक कर देना। ओके अगेन यहाँ पे डी आई, लॉक कर देना। लॉक करने की वजह से दोनों डायमेंशन आपका लॉक हो जाएगा, दैट विल नॉट बी गेट वेरी। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगेन आई विल टेक रेफरेंस प्लेन, पिक लाइन, लॉक करता हूँ इसको, और कितना रखना है, लॉक नहीं करते इसको, और डालना है 18 mm। कितना, 18 mm। सो यहाँ पे अंदर आएगा, यहाँ पे अंदर आएगा, दिस साइड इनर साइड, और यहाँ पे इनर साइड पे, यहाँ पे 9 का ऑफसेट आएगा। सो यहाँ पे 9 ऑफसेट बोलता हूँ मैं, नाउ यहाँ पे जो लाइन थिकनेस है दैट इज इक्वल रहेगा एक्चुअली। सो यहाँ पे डी आई डिस्टेंस लेता हूँ मैं, क्लिक क्लिक क्लिक, यहाँ पे थिन लाइन ऑफ कर देना, कर ली इक्वल पैरामीटर्स नीचे, तो इसको इक्वल कर दो। ओके ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, प्लाई थिकनेस बोल के एक पैरामीटर ऐड करना है, क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट किया, ऐड पैरामीटर, व्हाट इज दिस, प्लाई थिकनेस। ओके सो सेम प्लाई थिकनेस विल बी कैरी ऑन विद ऑल दिस थ्री। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी आई देता हूँ 1 2 3, जो लास्ट 4 1। कंट्रोल दबा के आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक क्लिक, एंड ऑल आर द प्लाई थिकनेस। सो यहाँ पे मैं प्लाई थिकनेस सबको ऐड कर देता हूँ, पर है ना, 1 2 3 1 2 5 को ऐड कर दिया। नाउ आई टू गिव द थिकनेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वार्डरोब, मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल वार्डरोब क्रिएट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाद में प्लाई थिकनेसेस देना है। सो पहला एक्सटर्नल वार्डरोब थिकनेस क्रिएट करने के लिए, दिस आर द टू डिफरेंट मीन्स, यहाँ पे एक्सट्रूजन अलग आएगा, यहाँ पे नीचे एक्सट्रूजन अलग आएगा, और बीच में एक्सट्रूजन अलग आएगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट एक्सट्रूड बोलता हूँ मैं, रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, क्लिक, हाउ टू लॉक दिस वंस, लॉक दिस, लॉक दिस एंड लॉक दिस, बराबर है, उसको ओके कर दो। रेफरेंस लेवल पे जाता हूँ मैं। ओके अभी यहाँ पे डेप्थ डालना हम लोग को, बराबर ना।
डेप्थ के लिए फिर से क्या करता हूँ, आरपी रेफरेंस प्लेन, यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन डाल दिया मैंने डीआई, ओके सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ एड पैरामीटर डेप्थ ऑफ वाटर, बराबर ना, डेप्थ ऑफ वाटर कितना है 650 आई थिंक, ओके 600 का डेप्थ है और 50 mm बाहर आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको 600 डेप्थ कितना है 600, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एंटर, और हाउ मच इट इज डेप्थ 600, बराबर अप्लाई, ओके सिलेक्ट करता हूँ वार्डरोब हैज़ टू बी गो अप टू 600, लॉक किया, और यहाँ पे इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं इसको लॉक कर रहे हैं, इज इट क्लियर? ये यहाँ से आपने टॉप व्यू लिया इसका? हाँ ये इधर फ्लोर प्लान से टॉप व्यू लिया मैंने, हाँ सो क्रिएट में जाके मैं फिर से रेफरेंस प्लेन लेता हूँ, यहाँ पे मुझे प्लाई थिकनेस डालना पड़ेगा ना एट द बैक साइड, इसे यहाँ पे लेता हूँ, अगेन डी आई डिस्टेंस लेता हूँ, पीछे प्लाई आने वाला है सो क्लिक करता हूँ, सो दिस इज योर प्लाई ऑफ थिकनेस, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ प्लाई थिकनेस डाल देता हूँ, क्लियर? 3D में जाएंगे, सो दिस इज योर वार्डरोब, अभी यहाँ पे ऊपर का पैनल जो है वो बाहर आ रहा है, ओके और नीचे, सो मैं क्या करता हूँ अगेन फ्रंट में जाता हूँ और दो एक्सट्रूड क्रिएट करता हूँ, नीचे वाला पैनल बाहर नहीं आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है उसको कल एक्सट्रूजन ऐड करना है, सो क्रिएट एक्सट्रूजन, यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे आउटर पे क्लिक किया, यू हैव टू लॉक दैट वन, लॉक लॉक कितना लॉक किया, तीन ही हो गया, और एक किधर है यहाँ पे, ओके सो इसको ओके करना, अगेन उसको रेफरेंस प्लेन में जाना और यहाँ पे इसको लॉक कर देता हूँ मैं, बराबर है, यहाँ से इधर से भी इसको लॉक कर दो, फिर टॉप व्यू में जाता हूँ, फिर से फ्रंट में जाता हूँ मैं, यहाँ पे भी ऊपर का ग्रू अलग से, सो क्रिएट एक्सट्रूजन, यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ फिर से मैं, आउटर टू दिस साइड, सो 1, 2, 3, 4th लॉक, ओके इसको ओके करता हूँ मैं, अभी ये वाला टॉप जो है वो अगेन फ्लोर पैन में जाता हूँ, ये थोड़ा 50 से बाहर ऑफसेट है, सो यहाँ पे क्रिएट में रेफरेंस प्लेन लेता हूँ मैं, ओके अभी ये हमेशा जो डेप्थ रहेंगे उधर से बाहर 50 आने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, हाउ मच डिस्टेंस इट इज 50, और इसको डिस्टेंस डाल के उसको लॉक कर देते हैं फ्रॉम दिस प्लेन, दिस इज 50, सो ये 600 का चेंज होएगा 700, तो भी क्या होएगा ये 750 बोल के लेगा, सो इसको क्या करना है हम लोग को यहाँ पे इधर फिर इसको लॉक करता हूँ, और उसको बेस को भी क्या करते हैं हम लोग लॉक कर करते, 3D में जाएंगे, सो दिस इज हाउ योर वार्डरोब लुक लाइक, इसका फ्रंट प्लेन में थोड़ा सा फ्रंट प्लेन में जाता हूँ मैं, ये ऊपर आना मांगता है एक्चुअली, इसको एडिट एक्सट्रूजन करना और ना इसको सिलेक्ट करो, इसको इसको अनलॉक करना, अलाइन दे देना अलाइन विद दिस प्लेन और लॉक करके रखो, ठीक है ओके, अभी 3D में देखो परफेक्ट है, अरे ये परफेक्ट है, क्लियर एनी डाउट? ठीक है अभी यहाँ पे हम लोग को वार्डरोब में ग्रू क्रिएट करना है फॉर द प्लाई थिकनेस, सो फ्रंट में जाता हूँ मैं, आई कैन क्रिएट दो रेक्टेंगल्स एक्सट्रूड कट करने के लिए, तो यहाँ पे वॉइड फॉर्म करना है, वॉइड एक्सट्रूजन लेना है, ओके हम लोग बाद में भी मॉडिफाई में जाके ना यहाँ पे कट कर सकते हैं, फिलहाल चाहिए तो मैं वो दिखा था आपको, समझ लो मैं एक्सट्रूजन लिया, क्या लिया एक्सट्रूजन, और यहाँ पे मैंने एक्सट्रूजन यहाँ से इधर से इधर तक एक क्लिक क्रिएट किया, लॉक करते हैं इसको, क्लिक क्लिक क्लिक, यहाँ से इधर और एक क्रिएट करते हैं मैं, ये रेफरेंस प्लेन के साथ लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है,
टू थ्री फोर। ओके ओके करना। रेफरेंस प्लेन में जाता हूँ, दिस इज योर एक्सट्रूड कर्व, इसको मैं यहां तक ले रहा हूँ और ये अपना इधर तक होएगा लॉक, और ये इधर ऐसा लॉक। 3D में जाएंगे तो दो है अलग अलग। नाउ टू कट दिस पोर्शन फ्रॉम दैट, से यहाँ पे कट लेना है। क्या लेना? सिलेक्ट ज्योमेट्री टू कट। क्या बोल रहा है नीचे पढ़ो, सिलेक्ट सॉलिड ज्योमेट्री टू बी कट और वॉइड विथ व्यू। सो यहाँ पे ये वाला अंदर वाला कट करना है, किससे कट करना है? बाहर वाले से। सो कट हो गया, एक मिनट देखते हैं कंसिस्टेंट कलर, इसको कट करना है। कट फ्रॉम कट, एक मिनट। कट ज्योमेट्री सिलेक्ट सॉलिड टू बी कट और वर्ड ज्योमेट्री विच वॉन्ट टू कट। सो इसको मैंने सिलेक्ट किया, कट लेना सॉलिड ज्योमेट्री मैंने सिलेक्ट किया और बाद में अरे क्या हो रहा है इसको, सॉरी कट। इसे लेट क्यों नहीं ले रहे हैं? पहला ओरिजिनल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसको सिलेक्शन में क्यों नहीं ले रहे हैं? चलो चलो हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट में जाता हूं मैं, विल क्रिएट वॉइड, वॉइड एक्सट्रूजन यहां पे मैं सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट लॉक लॉक लॉक। पहला वाला वर्ड ज्योमेट्री मैंने कट किया, उस सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है बोल के, अगेन सिलेक्ट दिस लॉक एट द फोर प्लेस, ओके ओके देना। रेफरेंस प्लेन में जाता हूं मैं, that has to be get align with this, so इसको lock करना, it has to be get here, इसको lock करना। 3D में जाएंगे, so this is what cut हो गया, आपका wardrobe आ गया। Now I want inner ply thicknesses to be get attached over there, so यहाँ पे मैं front में जाता हूँ, okay, so यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे 1213118120। सो आई 1 2 3 4 5 ये पांच रेफरेंस प्लेन में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ओके आरपी ऐड करते हैं रेफरेंस प्लेन 1 2 कॉपी करते हैं समझ लो, ओके मल्टीपल बोलता हूँ मैं 3 4 5, ओके सो यू द डिस्टेंस। अभी यहाँ पे डिस्टेंस देखो, हम लोग को वार्डरोब का हाइट चेंज हो गया तो कौन सा वेरिएबल रखना है, इसको वेरिएबल रखना है समझ लो, और नीचे के ड्रॉवर फिक्स रखना है, तो इसको लॉक करना और यहाँ पे वेरिएबल रख देना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाले डायमेंशन को हम लोग क्या करेंगे, लॉक करके रखेंगे।
इन केस वार्डरोब का हाइट बढ़ गया तो ये चेंज होएगा, इन केस वार्डरोब का हाइट चेंज कम हो गया तो ये वाला हाइट चेंज होएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लॉक कर दें। सो पहला 397 130, तो यहाँ पे कितना है 397, बाद में कितना है 130, बाद में 170, बाद में 212, ओके बाद में 118, 118। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, चेंजेस किया। अभी ये वेरिएबल रखना, सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डी आई डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको लॉक करके रखना, क्या रखना है लॉक 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 लॉक। सो ये सब क्या हो गया, लॉक हो गया। ओके अगर मैं हाइट चेंज करता हूं तो दिस आर द लॉकिंग पैरामीटर्स वी सेट। ओके सबसे पहले हम लोग सब अभी ऐड करते समय पहले हम लोग फ्लैट चेंज करके देखते हैं थिकनेस और हाइट हम लोग बराबर जा रहे हैं। अगर डेप्थ में कितना रखता हूं समझ लो 700 रखा मैंने, अप्लाई बराबर जा रहा है, ग्रू भी 50 mm से आगे जा रहा है। अगर डेप्थ 500 रखता हूं मैं, अप्लाई करता हूँ तो अगेन जा रहा है। हमारा कितना है 600, मैं अप्लाई करता हूँ परफेक्ट जा रहा है। और हाइट हम लोग को क्या रखना है 3000 रखना है, अप्लाई करता हूँ ऊपर जा रहा है बराबर। ओके ओके कर दो, कंट्रोल सेट देते हैं हम, एडिट पैरामीटर में जाता हूँ। अपना हाइट कितना है 2365 है ना, 2365। सो फिलहाल मैं करता हूँ 2365 अप्लाई। ओके अभी हम लोग का विड्थ चेक करके देखना है 2060 है तो मैं करता हूँ 2500, इक्वली जा रहा है क्या, देखो इक्वली जा रहा है। ओके सो हम लोग का पैरामीटर्स क्या है ऑलरेडी 2060 अप्लाई, ओके परफेक्ट है ना। मुझे क्या करना है अंदर के वार्डरोब्स के डिटेल्स देने, यानी ये वाले क्रिएट करने हम लोग को, कैसा है कैसा नहीं सब चीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को प्लाई डालना है। ओके सो प्लाई इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या करना है, अगेन फ्रंट में जाता हूँ, जितने भी रेफरेंस प्लेन है उसको ऑफसेट बाय 9 कितना देना है 9। सो हम लोग क्या करते हैं, हाँ सो मैं क्या करता हूँ क्रिएट रेफरेंस प्लेन बोलता हूँ ऑफसेट ऑफ 9 रख देते हैं हम लोग। सो यहाँ पे पिक प्लेन देता हूँ मैं, ऑफसेट ऑफ 9 रखते हैं। अब ये हम लोग को क्यों देना है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं उसका प्लाई थिकनेस को हम लोगों ने पैरामीटर दिए। सो यहाँ पे उधर क्लिक करो, ओके ठीक है। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम लोग को इक्वल रखना है सबको, डी आई दबाता हूं मैं, प्लेस करता हूं क्लिक इक्वल इक्वल। ठीक है अभी मुझे डिस्टेंस रखना है दोनों का प्लाई थिकनेस बोल के, डी आई इसको थोड़ा बाहर लेते हैं हम लोग, मगर ये इसको थोड़ा हम लोग 10 करते हैं, ठीक है। सो डी आई 18, ठीक है सबको सिलेक्ट करते हैं एंड दिस ऑल आर द लाइट थिकनेस बराबर है। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 कंटिन्यू है, बीच में गैप छोड़ के और ये वाला इधर। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक्सट्रूड करते हैं, क्रिएट एक्सट्रूजन, अगेन आई टेक द रेक्टेंगल, यहाँ पे आएगा
फोर लॉक कर दो, 1 2 3 4, परफेक्ट। अगेन यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट किया 1 2 3 4, ओके 1 क्लिक किया, 1 2 3 4, ओके। ये वाला नहीं हम लोग का, सो ये दिस साइड हम लोग ये नहीं डालने वाले ग्रूम, ओके 1 2 3। इसका किधर गया? इधर इतना दूर क्यों चला गया? ओके अभी यहाँ पे दो है, दिस वन एंड दिस वन, सो यहाँ पे मैं इधर सिलेक्ट करता हूँ, सेंटर का लाइन है, सेंटर में डिलीट भी कर सकते हैं ना, सेंटर में जो लाइन है उसको डिलीट डिलीट क्यों करेंगे? डिलीट करेंगे तो फिर ये सिमेट्रिकल कैसा रख सकते हैं, ये दोनों साइड में कैसा रखेंगे ना, सिमेट्रिकल। हाँ उसी के ऊपर हम लोगों ने लिया ना उसको, और यहाँ पे और एक पार्टीशन आ रहा है, नीचे जाता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके 1 2 3 इधर देखो क्लिक लॉक, क्लियर है? ओके करते हैं, रेफरेंस प्लेन में जाता हूँ ऊपर टॉप में। अब ये जो ग्रू है ये हमेशा आउटर से कितना अंदर रहना मांगता है वो देखो, 100 से, ओके 100 से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट रेफरेंस प्लेन डालता हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, दिस डिस्टेंस शुड बी 100, सो हमने 100 से अंदर रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी आई डिस्टेंस देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और इसको क्या करते हैं हम लोग लॉक, उसको क्या करते हैं लॉक, क्लिक करता हूं मैं, 3D में जाता हूं, इधर है इसको सिलेक्ट करता हूं मैं, ये किधर तक आना मांगता है ये वाला, तो इधर लॉक करते हैं, और ये इधर से किधर तक चाहिए हम लोग का, इधर तक ही चाहिए, तो इसको लॉक करता हूं, 3D में जाता हूं। सो आपका वार्डरोब का पार्टीशन क्रिएट हो गया। ओके लेट्स चेक विद द पैरामीटर्स, हम लोग पैरामीटर से चेक करते हैं कि कैसा रहेगा। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसका हाइट चेंज करता हूँ 2500। देखो मुझे यही वेरिएबल होना होता है, ये इधर ही चाहिए, अप्लाई करता हूँ, देखो यही वेरिएबल हो गया, इधर ही हो गया, अरे ना। अगर मैं इसको क्या करता हूँ 1800 करते वार्डरोब हाइट अप्लाई करता हूँ, तो दिस इज वेरिएबल, दिस इज द फिक्स, बिकॉज वी पुट इट लाइक दैट वन, 2365 किया मैंने ओरिजिनल हाइट अप्लाई, ओके विड्थ चेंज करते हैं हम लोग, हम लोगों ने रखा 2500 इक्वली बढ़ रहा है क्या, देखो सब बढ़ रहा है, सो हम लोग को कितना चाहिए 2060 अप्लाई, लॉक करने को जैसे बराबर ले रहा है एक्चुअली, ओके। अभी डेप्थ में देखो ये 100 का ग्रू रखा था, हम लोग डेप्थ जाते हैं और 700 लेता हूं मैं, ओके और मैं इसको चेंज करता हूँ अप्लाई, तो देखो ये इतना ही ग्रू रहेगा 100 का ही, बिकॉज वी पुट इट एज अ लॉक डिस्टेंस ऑफ 100, यहाँ पे 600 रहता हूँ, अप्लाई लेता हूँ, ओके। सो दिस इज योर वार्डरोब का इनर सेक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया। नाउ टू वी हैव टू क्रिएट द डोर्स ऑफ द वार्डरोब, बरा ना, डोर्स क्रिएट करना है जो हम लोग के ग्लास डोर्स है, बरा ना, ग्लास डोर्स में बीच में, ओके हम लोग को दो अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यानी यहाँ पे, क्योंकि वार्डरोब ऐसा ओपन होएगा ना आपका, सो यू टू क्रिएट ये दो दो डोर्स अलग, बाहर से दिखते सा सिंगल लाइन दिख रहा है बराबर थिकनेस है, लेकिन ये इधर बीच में पार्टीशन आने वाला है बराबर ना, डोर के लिए ग्रू आने वाला, और डोर अंदर थिकनेस में रहेंगे, तो इसको थोड़ा बाहर एक्सट्रूड करना पड़ेगा हम लोग को, लेट्स चेक। चलो सो हम लोग मैं क्या करता हूँ, फ्रंट में जाता हूँ मैं, ओके सो वी हैव टू क्रिएट द डोर, सो यहाँ पे वर्टिकल एक पार्टीशन आएगा बिकॉज सिमेट्रिकल दिखाना है हम लोग को, सो हम लोग क्या करते हैं, अगेन क्रिएट रेफरेंस प्लेन लेता हूँ मैं, और यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस प्लेन ऐड दिया,
ये रेफरेंस प्लेन सिमेट्रिकल है, किधर से है? आउटर से है। सो मैं क्या करता हूँ, डी आई आउटर वाला लेता हूँ, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, बराबर है, और सबको इक्वल रख देता हूँ। परफेक्ट। मेरा डोर किधर से आएगा? यहां से इधर तक आएगा, बराबर। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट एक्सट्रूजन लेते हैं। कहाँ से रहेगा? यहां से रेक्टेंगल लेता हूं मैं, ओके यहाँ पे क्रिएट करो। अभी हम लोग को डोर एक 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 अलग से बनाना पड़ेगा, अगर एक साथ बनाते तो एक साथ सॉलिड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाइन ओवरलैप होएगा तो ओवरलैपिंग अलाउड नहीं करेगा, तो हम लोग को डोर अलग अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। फिर रेफरेंस प्लेन जाता हूँ, डोर थिकनेस कितना रहेगा हम लोग का, वो आपको ऐड करना है, यानी यहाँ पे देखो डोर पीछे हो गया। सो क्रिएट रेफरेंस प्लेन बोलता हूँ मैं, और प्लाई का थिकनेस हम लोग को फिक्स रखना है, और ग्लास रहेगा तो ग्लास का थिकनेस मतलब प्लाई है, सो डी आई समझ लो इसको कितना फिक्स रखना है हम लोग को, तो सिलेक्ट करके कितना रखते हैं समझ लो, 25, ओके 25 mm, और ये 25 mm फिक्स रखना है हम लोग को समझ लो, ये चेंज नहीं होएगा। सो डी आई इसको लॉक करते हैं, ठीक है। फिर ये मेरा डोर है, सो इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे लेता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ, इसको ड्रैग करते हैं, डोर का प्लेन इधर से स्टार्ट होने वाला है, इसको लॉक कर दें। 3D में जाता हूँ, सो यहाँ पे आपका डोर क्रिएट हो गया, क्लियर। नीचे का एक्सट्रूजन डोर के साथ चाहिए सेम थिकनेस का, तो उसको क्या करना है, रेफरेंस प्लेन में आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, टिल इसको इधर से कंस्टेंट रिमूव करना पड़ेगा, यानी यहाँ से, सॉरी कैंसिल लेता हूँ मैं, सिलेक्ट करो फिर से ये वाला, रेफरेंस प्लेन में जाता हूँ मैं, रिमूव कंस्ट्रेंट बोलना और इसको लॉक करना, ठीक है। सो ये डोर के साथ चाहिए तो इधर अटैच हो जाएगा, अच्छा डोर के थिकनेस के इधर तक दिखेगा, बराबर, क्लियर। सेम डोर मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू अप्लाई द ग्लास यू मे पुट इट एज अ ग्लास, या पैनल डाल के ग्लास डालना है आपके ऊपर, जो लास्ट लेक्चर में मैंने सीखा सेम टाइप में। सो मतलब हम लोग पूरा डोर कंप्लीट करते हैं, अगेन आई विल गो फॉर द क्रिएट एक्सट्रूजन। यहाँ पे हम लोग कॉपी नहीं क्रिएट कर सकते, कॉपी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपी के लिए आपको कंस्टेंट देना पड़ेगा, अभी कंस्टेंट यानी यहाँ पे देखो हम लोग इसको लॉक कर रहे हैं ना सब जगह पे, अगर आप कॉपी करेंगे तो आप इस कंस्टेंट को लॉक कैसा कर सकते, यू कैन नॉट लॉक दैट कंस्टेंट एक्चुअली, सो इसकी वजह से हम लोग कॉपी नहीं क्रिएट कर सकते। इसको ओके कर दो, अगेन रेफरेंस प्लेन में जाना, आई हैव टू लॉक दिस अप टू फ्रंट लॉक, और यहाँ से इसको आपको यहाँ तक रखना, तो इसको लॉक कर दिया। इफ यू गो फॉर द 3D, सो दिस इज द सेकेंड डोर ऑफ योर वार्डरोब, ओके अगेन आई विल गो फॉर द फ्रंट, यहाँ पे क्रिएट एक्सट्रूजन, देखो प्लेन्स प्रॉपर सेलेक्ट करना, ये आउटर है यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे बराबर आपको डोर इधर से स्टार्ट होएगा, नहीं प्लाई के अंदर से नहीं, यहाँ पे मिडल से है ना, इधर से स्टार्ट होएगा और यहाँ पे इधर तक आएगा, क्रिएट, ओ इसको फिर से एडिट एक्सट्रूजन देना, क्लिक, इसको अभी लॉक करना पड़ेगा, अलाइन इसे, अच्छा फिर से क्रिएट करो, 3D में जाते हैं, यहाँ पे एक्सट्रूजन फिर से क्रिएट करता हूँ, ऑलरेडी क्रिएट हो गया ना, इसको डिलीट करता हूँ मैं, क्योंकि अलाइन में क्या होएगा, बहुत सारे अपने रेफरेंस प्लेन हैं तो हम लोग को मालूम नहीं करेगा अंदर से कहाँ पे भी जाके अलाइन है, तो मैं करता हूँ फ्रंट में जाता हूँ फिर से क्रिएट एक्सट्रूजन रेक्टेंगल, यहाँ पे क्लिक करो, नीचे तक क्लिक करना, ओके सो यहाँ पे लॉक,
लॉक लॉक लॉक, ओके ओके। रेफरेंस प्लेन में जाता हूँ मैं, इसको मुझे आगे तक रखना है थिकनेस, यहाँ से इधर तक लॉक, और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके इधर तक रखता हूँ, उसको लॉक कर दिया मैंने। लास्ट डोर क्रिएट करते हैं फ्रंट में जाके, अगेन आई विल गो विद द क्रिएट एक्सट्रूजन रेक्टेंगल फ्रॉम दिस टॉप टू बॉटम आउटर, बराबर। से यहाँ पे इसको 1 2 3 ओके। रेफरेंस प्लेन में जाता हूँ, रेफरेंस लेवल में, सो बी में ट्रैक दिस वन अप टू हियर, लॉक करना है इसको, और यहाँ से इधर था क्लिक लॉक दिस वन। इफ आई गो विद द 3D व्यू, सो दिस इज योर वार्डरोब वी हैव क्रिएटेड इन विच वी वॉन्ट टू बी। क्लियर है? एनी डाउट? पक्का? अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है, समझ लो इसको सेव करता हूँ मैं मदर डेस्कटॉप पे, ओके, वार्डरोब बोल के मैं सेव करता हूँ इसको। समझ लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्लो ओ कैंसल, मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ मेरा, समझ लो फ्लोर बोल के ओपन किया मैंने, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ, समझ लो ग्राउंड फ्लोर में। सो आई वांट टू प्लेस द वार्डरोब, मुझे यहाँ पे वार्डरोब प्लेस करना है, ओके। समझ लो ये डोर के इधर, या समझ लो बाहर प्लेस करते हैं, सो आई कैन शो इट इन अ परफेक्ट वे। क्लोज विंडोज करता हूँ, इसको क्या करना, लोड इन टू प्रोजेक्ट, लोड इन टू प्रोजेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे वार्डरोब आया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब ये सेक्शनल है ना, इसके लिए ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे देखो वार्डरोब आ गया आपका। क्लियर? अभी यहाँ पे हम लोग मटेरियल्स वगैरह ऐड करके, हम लोग को जैसा दिखाना वैसा मटेरियल्स वगैरह ऐड करके आपको दिखा सकते हैं, ओके। इसका सेक्शन देखना है, यानी सेक्शन देखना है, यानी मैं क्लोज करता हूँ और किसी ने यहाँ पे सेक्शन ऐड कर दिया वार्डरोब को, ग्राउंड फ्लोर लेता हूँ, सेक्शन ऐड कर दिया, सिर्फ एनी वन एड द सेक्शन ओवर हियर, और राइट क्लिक करके गो टू व्यू करता हूँ, यू कैन सी द वार्डरोब का सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू क्यों नहीं दिख रहा है? गो टू व्यू, ठीक है, सेक्शनल व्यू ऑफ योर इवन। आप यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसको, सेक्शन आप देख सकते हैं इसका सेक्शन कैसा है, क्लियर? एनी डाउट? सेक्शनल बॉक्स ना, हाँ, यहाँ से इधर जाएंगे तो सेक्शन बॉक्स आएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, फिर से अप्लाई करेंगे तो फिर से उसको आपको जैसा चाहिए वैसा रखना पड़ेगा। क्लियर? एनी डाउट? अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपने प्रोजेक्ट में डाल दिया, इसको क्लोज करता हूँ मैं, अभी यहाँ पे हम लोग मटेरियल्स वगैरह मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जो बताया वो मटेरियल डाल सकते हैं, हम लोग को जैसा डालना है वैसा हम लोग मटेरियल इंसर्ट करके प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, ओके। रेफरेंस लेवल फ्लोर प्लान में जाता हूँ, सो वी कैन हैव दैट ऑल दीज थिंग्स, क्लियर? बाकी प्रॉपर्टीज एज प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जैसा सिखाया था
वैसा आप ऐड करके दिखा सकते हैं। द मेन थिंग इज हाउ टू क्रिएट द वार्डरोब। आपको इसको फैमिली टाइप्स क्रिएट करना है, फैमिली टाइप्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट बार हम लोग चेक करके देखते हैं डेप्थ चेंज करना है वगैरह, तो विड्थ मेरा 2500 रखता हूँ। अप्लाई हम लोग इसमें कैंसिल करो, कैंसिल। सो यहाँ पे फ्रंट में जाएंगे तो वी हैव टू चेंज द पैरामीटर्स लाइक दैट। क्लियर है? ओके चलो, शैल आई क्लोज द लेक्चर? ओके थैंक यू।